हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे और अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। फिर से हाजिर हैं हम एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, जिसमें आज बताएंगे बिनकुरैया कंपनी और अरामको कंपनी का ऑफिस जो साइड पे बना हुआ है। ये मेन ऑफिस नहीं है, साइड पे बना हुआ है। यहाँ पे नया प्रोजेक्ट मिला हुआ है बिनकुरैया कंपनी को, जुलूप प्रोजेक्ट और जलादी कैंप है, इसलिए कैंप और ऑफिस बना हुआ है साइड पे। कैंप का कुछ काम अभी भी चल रहा है। कंपनी में आना चाहते तो आ सकते हैं, सैलरी टाइम टू टाइम मिलता है। इसकी पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा लास्ट तक देखें, क्योंकि पूरी जानकारी वीडियो में मिलेगी। ये मेस हॉल है, ये मेस हॉल का गेट है और यहाँ बोर्ड लगा हुआ है बिनकुरैया लिमिटेड कंपनी मेस हॉल। ये अंदर से दिखाते हैं। अंदर में इस तरह से टेबल कुर्सी लगा हुआ है। चाय का भी व्यवस्था है उधर, चलिए दिखाते हैं। इधर सब चाय का सामान है, ये कॉफी है। दीवार साइड जो दो डब्बा है उसमें जैम और बटर है। ये दूध का पाउडर है, ये चाय पत्ती का बैग है, टी बैग। इधर शक्कर चीनी है और इधर गर्म पानी है। इधर गर्म पानी हो रहा है, पानी गर्म हो रहा है इधर। और चलिए और कुछ दिखाते हैं। इस कंपनी का वांट इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, फिलिपिनो सब जगह जाता है। इधर आइस क्यूब मशीन है, यहाँ से बर्फ बनता है, बर्फ ऊपर से बन के अंदर गिरता ही रहता है, गिरता रहता है। जब बर्फ का जरूरत हो, आइस का जरूरत हो तो यहाँ से इस्तेमाल करते हैं। इस कंपनी का वांट सब जगह जाते रहता है, अभी भी जाने वाला है फिर से वांट, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर मिला हुआ है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर मिला हुआ है। चलिए अंदर चल के और कुछ दिखाते हैं। इधर बेसन लगा हुआ है, इधर हाथ धोने के लिए, खाना खाने के बाद हाथ धोने के लिए ये सब सिस्टम। इधर बेसन लगा हुआ है, इधर भी है, दो रूम है, एक इधर है, बीच में गैलरी है, एक इधर रूम है और एक इधर है बेसन रूम, दोनों साइड है। अगर कोई भाई इस कंपनी में आना चाहता है तो कमेंट करके हमसे आइडियाज उस ऑफिस का ले सकते हैं जहाँ पे इस कंपनी का वांट जाता है हमेशा। चलिए बाहर चलते हैं, दूसरे गेट से निकलते हैं और बाहर का सीन दिखाते हैं। ये हम दूसरे गेट से बाहर आ रहे हैं, दूसरे साइड से। इधर चारों साइड कैंप है, इधर भी एक बोर्ड लगा हुआ है गेट पे, जो सेम उधर बोर्ड लगा हुआ था सेम वैसा ही बोर्ड इधर भी लगा हुआ है। इधर ठंडा पानी पीने के लिए तलाजा लगा हुआ है, जिसे हम लोग फ्रिज बोलते हैं, अरबी में उसे तलाजा बोलते हैं। ये चारों साइड से कैंप है, ये देखिए कैंप है, एस्फाल्ट किया हुआ है रोड पे। ये नया कैंप बना है तुरंत, अभी कुछ काम भी इसका बाकी भी है, थोड़ा मोड़ा काम कहीं कहीं बाकी है। चलिए चलते हैं कैंप के अंदर, कुछ दिखाते हैं। और ये भाई लोग बैठ करके बाहर ताज़ा हवा का मजा ले रहे हैं, क्योंकि रूम के अंदर तो दिन भर रहते ही हैं, धूप बहुत बहुत होता है यहाँ, तो दिन भर रूम में एसी में बैठे रहते हैं। तो अभी शाम का वक्त है इसलिए बाहर निकल के लोग हवा खा रहे हैं, ताज़ा हवा खा रहे हैं। रूम के अंदर जो है वाईफाई का कनेक्शन सब रूम में अंदर में है, क्योंकि अरामको का रूल्स है हर एक रूम के अंदर वाईफाई पकड़ना चाहिए। यह टोटल सीनियर रूम है, ये टोटल सीनियर रूम है। उधर साइड जो था जूनियर रूम था, उस साइड जो दिखाए थे वो जूनियर रूम था। और ये जो है फायर का सिस्टम है टोटल। फायर सिस्टम के बारे में ऑलरेडी हम एक वीडियो बना चुके हैं, अगर आप लोग नहीं देखे उस वीडियो का तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। कैसे काम करता है, कौन कौन सा मशीन लगा है सब मैं बताया हूँ। चारों साइड से फेंस लगा हुआ है, ये कैंप के चारों साइड से जो है फेंस लगा हुआ है। और ये जो है गेट है, ऊपर लाइटिंग लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है। ये रोड है, एस्फाल्ट किया हुआ है और इधर भी एस्फाल्ट किया हुआ है। और ये रोड जो है सीधा बीच कैंप में चला जाएगा, हॉस्पिटल के पास, मस्जिद हॉस्पिटल क्लिनिक जो है उधर ही। ये हॉस्पिटल क्लिनिक एरिया है, टोटल हॉस्पिटल क्लिनिक एरिया है। पीछे एम्बुलेंस लगा हुआ है, उसके पीछे कैम्बोस का ऑफिस है, ये एम्बुलेंस लगा हुआ है, उधर ऑफिस है कैम्बोस का। ये रोड सीधा बाहर निकल जाएगा कैंप से बाहर। और इधर जो है रूम अभी तैयार नहीं है, ये इधर अभी रूम बन रहा है, कुछ काम अभी बाकी है। पीछे मस्जिद है, ये मस्जिद है, चलिए नज़दीक से दिखाते हैं। ये देख क्लिनिक हॉस्पिटल एरिया लिखा हुआ बोर्ड पे, ये प्रोजेक्ट का नाम लिखा हुआ, प्रोजेक्ट जुलूप प्रोजेक्ट है जलादी कैंप, ये लिखा हुआ। ये
क्लिनिक है, ये गेट है, इधर एम्बुलेंस लगा हुआ है और ये कैंपस ऑफिस है, कंपनी का नाम ऊपर लिखा हुआ है। ये मॉस्क्यू प्रेयर एरिया, ये मस्जिद का इंटीरियर है, ये मस्जिद है। चलिए बाहर चलते हैं। ये रोड मेस और जिम हॉल की तरफ चला जाएगा, जिम हॉल की तरफ चला जाएगा और मेस इधर ही है, इसी रोड में पड़ता है। और पीछा जो है, और इधर हॉस्पिटल और क्लिनिक है। जिम हॉल दिखाते हैं, ये जिम हॉल है, दूर से दिखा देते हैं थोड़ा। ये जिम हॉल का गेट है, ये टोटल जिम हॉल है। चलिए लॉन्ड्री दिखाते हैं, ये लॉन्ड्री है, नया कैंप बन रहा है इसलिए कैंप का काम और भी बाकी है। फाइनली हम लोग कैंप के बाहर आ चुके हैं। ये कैंप का गेट है और ये फेंस लगा हुआ है, कैंप के चारों साइड से फेंस लगा हुआ है। और इस साइड दिखाते हैं थोड़ा रंबल, ये रंबल दिख रहा है चारों तरफ, जहां तक नजर जाएगा रंबल ही रंबल दिखेगा, काफी दूर दूर तक शहर और गांव नहीं दिखेगा। चलिए ऑफिस की तरफ चलते हैं, थोड़ा ऑफिस का बाहर का सीन दिखा देते हैं। ये बाहर से इस तरह बाउंड्री किया हुआ है, चारों साइड से गाछ लगा हुआ है, छोटा छोटा पौधा है अभी। चलिए अंदर चलते हैं, दिखाते हैं आपको। यहाँ से एंट्री करते हैं और ये जो है सिक्योरिटी गार्ड का रूम है बीच में, और बाएं साइड जो है लेफ्ट के साइड में ये बिनकुरैया कंपनी का पार्किंग एरिया है, ये वाला बिनकुरैया कंपनी का पार्किंग एरिया है। ये सब ऑफिस और कैंप फिलहाल में ही बना है क्योंकि न्यू प्रोजेक्ट मिला है ये बिनकुरैया कंपनी को यहाँ पे सऊदी अरामको में। ये सऊदी अरामको देखिए लिखा हुआ, सऊदी अरामको पार्किंग एरिया है, ये सऊदी अरामको का पार्किंग एरिया है। इधर में बिनकुरैया का पार्किंग एरिया और इधर अरामको का पार्किंग एरिया है दोनों साइड में। और इधर सामने जो है ऑफिस है, ये ऑफिस है बिनकुरैया कंपनी का, इधर पार्किंग, इधर ऑफिस है। और इधर से गेट है निकलने का, बाहर निकलने का, ये सब अरामको पार्किंग है इधर में। इधर से भी निकलने का गेट है ये साइड से भी। और ये जो है अरामको ऑफिस है, अरामको ऑफिस और बिनकुरैया ऑफिस का थोड़ा दूरी का फासला है, ये देखिए सामने। चलिए कंपनी का लोगो दिखाते हैं, ये कंपनी का लोगो और नाम है, पहचान लीजिए ताकि वांट जाए तो आपको आसानी से पहचान सकते हैं। चलिए ऑफिस के अंदर चलते हैं। बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट मिला हुआ है इस कंपनी को अभी यहाँ पे, लगभग 10 साल से ऊपर का काम है, इसलिए सब जगह वांट अभी जा रहा है, जैसे नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, फिलिपिनो, इसलिए ज़्यादातर वांट अभी जा रहा है क्योंकि बहुत लंबा काम है यहाँ पे। चारों साइड से रूम है और बीच में केबिन लगा हुआ है स्टाफ के लिए, और इधर सोफा और टेबल भी लगा हुआ है रेस्ट करने के लिए, और इधर भी बीच में केबिन लगा हुआ है, साइड से रूम है, हर एक स्टाफ के लिए एक एक केबिन है अलग, और सब में मशीन लगा हुआ है, लैपटॉप, कंप्यूटर, डेस्कटॉप, प्रिंटर, इधर भी डिवाइस पड़ा हुआ है, ये देखिए इधर भी डिवाइस पड़ा हुआ है। तो जो 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 स्टाफ का जो जौन सा डिवाइस का ज़रूरत है वो सब अवेलेबल यहाँ पे है। और इधर साइड से रूम है और बीच में जो है केबिन है स्टाफ वर्किंग के लिए, स्टाफ लोग वर्किंग के लिए यहाँ पे ये केबिन है, हर एक स्टाफ के लिए एक एक केबिन है। और ये रूम जो है बेडरूम नहीं है, इधर से भी एक एग्जिट गेट है एक, और एक इधर से भी एग्जिट गेट है, और ये लेटरिन बाथरूम है, इधर से भी एग्जिट गेट है। जितने भी साइड से रूम है, ये रूम जो है बेडरूम नहीं है, सोने के लिए नहीं है, ये कोई मीटिंग हॉल है तो कोई सेफ्टी मीटिंग के लिए हॉल है, कोई साहब बड़े बड़े साहब लोग आते हैं तो उन लोगों के लिए है ये। और बीच में केबिन है जो स्टाफ लोग बैठ कर वर्क करते हैं। इस गेट से हम लोग बाहर निकलेंगे, ये गेट से बाहर निकलेंगे और बाहर चल के और भी कुछ दिखाएंगे। ये देखिए एक भाई जो है इधर लगता है टेंशन में, कोई ज्यादा टेंशन में है, बैठे हुए आराम से लगता है कोई ज्यादा टेंशन में है। चलिए चलते हैं, बाहर निकलते हैं हम लोग और सब कुछ तो दिखा ही दिए, फिर चलते हैं बाहर से और कुछ दिखाते हैं बाहर चल के। ये हैवी इक्विपमेंट पार्किंग एरिया है, सब मशीन यहाँ पे लगे हुए हैं, या डम्प ट्रक है, क्रेन है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। कोई सवाल हो आपका तो कमेंट बॉक्स में हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।